हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विट। दोस्तों, आज हम लोग क्लास टेंथ के साइंस में रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे फ्रेंड्स, है ना। इसलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप क्लास टेन के छात्र हैं और आगामी बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा आगे वाला बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे फ्रेंड्स, है ना। अब इसी तरह का यदि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च कीजिएगा www.studybit.in और इस वेबसाइट का लिंक फ्रेंड नीचे भी दिया गया, वहाँ पे आप जाके सर्च कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया फ्रेंड्स, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम एरो Fe प्लस Al2O3। क्या करना है फ्रेंड्स, ये क्या है LHS है और ये क्या है RHS है, यानी एरो के बाएँ साइड में क्या उसको बोलते हैं LHS बोलते हैं और दाएँ साइड में क्या बोलते हैं उसको RHS बोलते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करेंगे, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम एरो Fe प्लस Al2O3, इसको पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स नीचे लिख लेंगे, है ना। लिख लेते हैं क्या है, Fe2O3 प्लस Al एरो Fe प्लस Al2O3। फ्रेंड्स क्या हो गया, यानी LHS साइड को हम अभिकारक भी बोल सकते हैं अभिकारक, और ये RHS साइड को क्या बोलते हैं उत्पाद बोलते हैं। जैसे क्या, ये दोनों जो मिल के जो बनता है ना इसको क्या बोल सकते हैं उत्पाद बोल सकते हैं, यानी प्रोडक्ट बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, LHS साइड में Fe2O3 क्या है एक ग्रुप में है, Al क्या है दूसरा ग्रुप में है, और RHS साइड में क्या है Fe फिर क्या एक ग्रुप में है, और Al2O3 क्या है दूसरा ग्रुप में है। तो क्या करेंगे हम, पहले अलग अलग ग्रुप को क्या करेंगे लिखेंगे, LHS साइड को एक ग्रुप में और RHS साइड को क्या लिखेंगे एक ग्रुप में लिखेंगे। तो सबसे पहले Fe कितना है, Fe2 है, तो कितना है Fe कितना है दो है, यानी Fe को क्या बोलते हैं लोहा बोलते हैं, और ऑक्सीजन कितना है तीन है, ऑक्सीजन कितना है तीन है। तो फ्रेंड्स क्या है, ये दोनों क्या है एक ग्रुप में है, इसको क्या करेंगे हम एक में हम उसको घेर देंगे, है ना। और एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम कितना है इसमें, एल्युमिनियम कितना है एक है, इसको क्या करेंगे अलग रख देंगे। अब क्या हो गया, ये क्या हो गया एक ग्रुप हो गया, क्या हो गया ये एक ग्रुप हो गया। अब दूसरा ग्रुप में क्या है Fe, यानी RHS साइड में Fe कितना है एक है ना, और Al2 Fe इसको क्या करेंगे एक ग्रुप में घेर देंगे, और फिर क्या हो गया Al2O3 है, तो Al कितना है दो है, और ऑक्सीजन कितना है तीन है, इसको क्या करेंगे अलग हम उसको हम घेर देंगे। अब मिलाएंगे फ्रेंड्स, क्या क्या देखिए यहाँ पे, एक क्या हो गया इतना जो है क्या हो गया LHS हो गया, और एक क्या हो गया RHS हो गया। दोनों यदि बराबर हो जाए, जैसे कि फ्रेंड्स देखिए, यदि उसको 100% है LHS साइड में और RHS साइड में भी 100% हो जाएगा तो क्या है इसका मतलब दोनों बराबर है। लेकिन इसमें यदि 100% है, इसमें यदि 90% हो जाएगा तो क्या इसका मतलब बराबर नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए, यानी Fe कितना है उसमें दो है, इधर कितना है वन है, तो इसमें क्या करेंगे Fe इसमें दो है इसमें क्या है वन है, तो कितना से दो से गुना कर देंगे, कितना से दो से। यदि हम दो से यदि गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दो गुने एक क्या हो जाएगा दो हो जाएगा, कितना हो जाएगा दो हो जाएगा। Fe तो बराबर हो गया मेरा, ऑक्सीजन कितना है उसमें तीन है, इसमें भी कितना है, इसका मतलब क्या है इसमें इसमें LHS साइड और RHS साइड में क्या है दोनों में ऑक्सीजन क्या है बराबर है, क्या है बराबर है। और एल्युमिनियम में LHS साइड में कितना है एक है, लेकिन RHS साइड में कितना है दो है। तो फ्रेंड्स LHS साइड में एक है और RHS साइड में दो है, तो LHS साइड में हम कितना से दो से गुना कर दें, कितना से दो से, दो गुने एक क्या हो गया दो हो गया। अब तो फ्रेंड्स बराबर हो गया ना, देखिए यहाँ पे कितना है Fe, यानी कितना हो गया LHS साइड में दो है और RHS साइड में कितना है दो है, यानी दो से गुना किए हैं तो दो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम कितना Fe हम कितना लिखेंगे दो लिख देंगे, कितना लिखेंगे दो। और यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है, यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम कितना है एक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम दो लिख देंगे। अब संतुलित हो गया ना फ्रेंड्स, क्या हो गया संतुलित हो गया, देखिए यहाँ पे Fe कितना हो गया यहाँ पे दो हो गया, यहाँ भी क्या है दो है,
ऑक्सीजन कितना है, तीन है, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है, तीन है, एल्युमिनियम यहाँ पे दो है, यहाँ पे क्या इतना है, दो है, ये फ्रेंड्स क्या हो गया, यानी संतुलित हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला है Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस NaCl है, क्या है Na2SO4। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रेंड्स, क्या लिखेंगे, Na क्या है, दूसरा है ना, Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस क्या है NaCl है, क्या है NaCl है। देखिए फ्रेंड्स, Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस NaCl यहाँ पे है ना, देखिए Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस NaCl। अब इसको फ्रेंड्स क्या करेंगे, पहले की तरह उसको क्या करेंगे, ए ग्रुप में लिखेंगे। इसमें क्या है, सोडियम कितना है, दो है, सल्फर कितना है, देखिए फ्रेंड यहाँ पे SO4 है, इसका मतलब क्या है कि सल्फर चार नहीं हुआ है, सल्फर क्या है, एक ही है, इसीलिए क्या लिखेंगे, सल्फर एक। ऑक्सीजन कितना है, चार है, इसको क्या करेंगे, एक ग्रुप में लिख देंगे, है ना फ्रेंड। और क्या है BaCl2, Ba कितना है, एक है, और Cl कितना है, दो है, इसको क्या करेंगे हम, एक ग्रुप में लिख देंगे, कितना है, एक ग्रुप में लिख देंगे। और RH साइड में यानी उत्पाद में कितना है, Ba कितना है, एक है, और सल्फर कितना है, एक है, ऑक्सीजन कितना है, चार है, इसको क्या करेंगे हम, एक ग्रुप में लिख देंगे। और यहाँ पे NaCl, सोडियम कितना है, एक है, और Cl कितना है, एक है, इसको क्या करेंगे हम, एक ग्रुप में लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ भी सोडियम कितना है, दो है, लेकिन यहाँ पे कितना है, एक है, तो फ्रेंड्स क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम दो से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, यानी 2Na, मतलब क्या कि दो गुने एक, दो टो सोडियम हो गया, यहाँ पे क्या है, दो गुने एक यानी क्लोरीन, मतलब क्या है, दो टो क्लोरीन हो गया। अब देखते हैं सल्फर कितना है, सल्फर दो है ना, यहाँ पे कितना है, सल्फर एक है, यहाँ भी कितना है, सल्फर एक है, तो क्या है, दोनों बराबर हो गया। यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन चार है, यहाँ भी क्या, ऑक्सीजन चार है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बेरियम एक है, यहाँ बेरियम एक है, क्लोरीन कितना है, यहाँ पे दो है, लेकिन यहाँ भी कितना है, दो हो गया। अब यानी कैसे करेंगे, अब देखिए, यानी सोडियम NaCl में कितना से दो से गुना किए हैं, और सब क्या है, बराबर ही है, NaCl में कितना से दो से गुना किए हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करेंगे, दो से हम गुना कर देंगे, कितना से, दो से हम गुना कर देंगे। देखिए यहाँ पे NaCl में कितना से, दो से गुना कर दिए, देखिए Na2 मतलब क्या, सोडियम दो है, यहाँ भी सोडियम दो है, सल्फर SO4 BaCl2 मतलब कि क्लोरीन दो, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, दो है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, Fe+H2O एरो Fe3O4 प्लस H2O है, क्या है, Fe+H2O Fe3O4 प्लस H2O, यहाँ पे लिखते हैं Fe+H2O Fe3O4 प्लस कितना है, H2, यहाँ पे क्या है, Fe कितना है, एक ग्रुप में है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, दो है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना है, दो है ना, ऑक्सीजन कितना है, एक है, इसको क्या करेंगे, एक ग्रुप में लिखेंगे। यहाँ भी क्या है, RHS साइड में लोहा कितना है, तीन है, ऑक्सीजन कितना है, चार है, इसे क्या करेंगे, एक ग्रुप में लिखेंगे। और हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, दो है, इसे क्या करेंगे, एक ग्रुप में लिखेंगे। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे Fe कितना है, तीन है, और यहाँ पे कितना है, तीन है, तो कितना है, तीन से गुना करेंगे। अब देखते हैं फ्रेंड्स ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन एक है, यहाँ पे कितना है, चार है, तो कितना से इसमें गुना कर देंगे, चार से, तो बता कितना हो जाएगा, यहाँ पे चार हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, यहाँ पे आठ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा, चार दो ना आठ, यहाँ पे कितना है हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे दो ही है, तो चार से गुना करेंगे यहाँ भी, तो कितना हो जाएगा, चार दो ना आठ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यानी Fe कितना से, H2O में कितना से, चार से गुना किए, कितना से, चार से, और H2 में कितना से गुना किए, चार से गुना किए हैं। यहाँ पे देखते हैं, यानी
एफ ई में कितना से एच टू ओ में कितना से गुना किए थे फ्रेंड्स, चार से गुना किए थे ना, तो चार लिख देंगे। और एच टू ओ में कितना से गुना किए थे, चार से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सी यू टू एस प्लस ओ टू सी यू टू ओ प्लस एस ओ टू। सी यू टू एस प्लस ओ टू एरो सी यू टू ओ प्लस एस ओ टू। इसको फ्रेंड्स क्या करेंगे, सी यू टू एस को एक ग्रुप में रखेंगे। सी यू कितना है, दो है, और एस कितना है, एक है। और ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है फ्रेंड्स, दो है। यहाँ पे कितना है, यानी आर एच एस सेट में यानी उत्पाद के सेट में कितना है, सी यू दो है, और ऑक्सीजन कितना है, एक है। और यहाँ पे कितना है, सल्फर कितना है फ्रेंड्स, सल्फर कितना है, एक है, और ऑक्सीजन कितना है, दो है। यहाँ पे फ्रेंड्स कितना है, देखिए कॉपर दो है, कॉपर दो है, ये दोनों मिल गया, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे दो है, लेकिन यहाँ पे कितना ऑक्सीजन, एक है, यहाँ पे कितना है, दो है, दो एक तीन हो गया, तो यहाँ पे कितना है, दो दो है, तो यहाँ भी तीन होना चाहिए ना। तो फ्रेंड्स तीन बटे दो से यदि गुना कर देंगे, दो आएगा। यदि तीन बटा दो से, दो से गुना कर देंगे, तीन बटे दो गुने दो कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा, है ना फ्रेंड। और यहाँ पे क्या है, कॉपर दो है, सल्फर कितना है, यहाँ पे एक है, यहाँ भी एक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यानी ऑक्सीजन में सिर्फ तीन बटे दो से गुना किए हैं, कितना में, ओ टू में तीन बटे दो से गुना किए हैं, और सब बराबर है। ऑक्सीजन में कितना से गुना किया, ओ टू में, यानी तीन बटे दो से, यानी एल एच एस सेट में। यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड्स ओ टू में कितना से गुना किए हैं, तीन बटे दो से किए हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे जो नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तथा आगे वाला बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।